सत श्री अकाल पंजाब न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का मैं हरविंद कौर स्वागत कर दी हाँ। खबरों की शुरुआत कर लेने सुर्खियों के नाल। भाई अमृतपाल सिंह अते उन्हां दे 10 साथियों उत्ते पंजाब सरकार ने फिर लगाई नवे सिर तो NSA ताकत दे नशे दे विच अन्नी हुई सरकार दी एक बार फिर वड्डी धक्केशाही। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका अते दल खालसा ने राम रहीम नूं पुलिस रिमांड उत्ते पंजाब लियांदे जाण दी कीती मंग। कहा बेअदबी दे मामले दे विच दित्ती जावे इन्हां नूं सज़ा। किसानी अंदोलन दे विच संघर्ष कर रहे शहीद किसान बिशन सिंह दी मृतक देह नूं किसानां ने दित्ती श्रद्धांजलि। नमक खां दे नाल शहीद नूं दित्ती गई अंतिम विदाई। श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सिखां दे कौमी त्यौहार होले महल्ले नूं धार्मिक परंपरावां अनुसार मनाउण दी कीती अपील। कहा गुरु घर दी मर्यादा विरुद्ध हुल्लड़बाजां नूं नहीं करांगे बर्दाश्त। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। असाम दी डिब्रूगढ़ जेल दे विच नज़रबंद सिंघां नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि पंजाब सरकार ने डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद अमृतपाल सिंह अते उहनां दे 10 साथियों उत्ते नवें सिर तों NSA लगा दित्ती है जो कि बेहद निंदणयोग है। इस संबंधी पंजाब सरकार ने अज हाई कोर्ट नूं जानकारी दित्ती है। नवें सिर तों लगाए NSA दे आदेश हाई कोर्ट विच पेश कीते जाण लई पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट तों समां मंगिया। इन्हां सारियां पटीशनां दी सुनवाई अप्रैल दे पहले हफ्ते होवेगी। इत्थे तुहानूं दस दईए कि एक पासे सिंघां दे परिवारिक मैंबरां ने बीते कल ही अपनी भुख हड़ताल खत्म कीती सी ते दूजे पासे हले भी जेल विच नज़रबंद सिंघ भुख हड़ताल उत्ते बैठे हुए हन ते उहनां दे वल्लों पंजाब दी जेल विच शिफ्ट कीते जाण दी मंग कीती जा रही है ते अजिहे दे विच पंजाब सरकार ने सिंघां नूं पंजाब तक ही लिआउणा बल्कि उन्हां उत्ते नवें सिर तों NSA लगा दित्ती गई है ताकि वह जेल तो बाहर ना आ सकण। बलात्कारी ते पखंडी राम रहीम वालों डेरा सच्चा सौदा दे राजनीतिक विंग ते राष्ट्रीय प्रधान रहे प्रदीप कलीर वालों गिरफ्तारी तो बाद पुलिस नूं दर्ज करवाए गए बयान दे विच इस गल दा खुलासा किया गया कि बेअदबियां पिछे मास्टर माइंड खुद डेरा मुखी राम रहीम अते हनीप्रीत सी, जिस तों बाद पंथक आगूआं वालों इन्हां विरुद्ध कार्रवाई करन दी मंग कीती जा रही है। इस संबंधी हरमीत सिंह कालका ते दल खालसा ने भी इन्हां दोहां मुख दोषियों की गिरफ्तारी की मंग की है। इस संबंधी वेख लैने एक खास रिपोर्ट। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने मंग की है कि पंजाब दे विच बरगाड़ी बेअदबी मामले विच मुख मुलजम प्रदीप कलेर दे वल्लों दिए गए बयान के आधार उत्ते बलात्कारी पखंडी राम रहीम अते उसकी हनीप्रीत नूं तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने जिस तरीके दे नाल बरगाड़ी दे जिहड़े मुजरिम ने साफ स्पष्ट किया कि गुरमीत राम रहीम की देखरेख दे विच और हनीप्रीत की देखरेख दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेदबियां हुई हैं और जिहड़ियां बेदबियां तो बाद जिहड़े उन्हां दे डेरा प्रेमी सी जिस तरीके दे नाल उन्हां ने इन्हां दे अंग फाड़ के जिहड़े सड़कां दे उत्ते सुट्टे है ਇਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਤਕਾਰੀ ਅਸਾਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਿਹਤੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
दल खालसा दे हाल ही दे विच नियुक्त किए गए वर्किंग प्रधान परमजीत सिंह मंड ने कहा है कि जिस दिन बेअदबी हुई सी उस दिन तो लैके अज तक हर चेतन सिख नूं इह गल साफ है कि बेअदबी पीछे यही पखंडी गुरमीत राम रहीम सी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीते दिन शहीद होए किसान बिशन सिंह की अज मृतक दे किसानी अंदोलन विच पुजी जिथे किसानों दे वलों शहीद नूं श्रद्धा दे फुल भेट किए गए अते इस उपरंत वड्डी गिनती दे विच काफला उन्हां दे जद्दी पिंड विखे रवाना होया। तुहानूं दस दईए कि हरियाणा सरकार वलों जो हथियार अते कैमिकल किसानों उत्ते वरते गए सन उस नाल कई किसानों की मौत हो चुकी है। साडे दोनों किसान नाल जिहड़ी अज इत्थे डेड बॉडीज आईआं ने मैं कहूँगा कि सरकार की करूरता का यह बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि जिस दिन इत्थे वड्डी पद्धर दे उत्ते जो अथरू गैस के गोले छिटे गए ने उन्हां गोलियां बारे जो जानकारी निकल रही है वह यह निकल रही है कि 1993 तो जनेवा कन्वेंशन तो लैके ये अथरू गैस छड्डने लोगों के उत्ते यह बंद की हुई है और जिस तरह की उस वेले अथरू गैस छड्डी गई है सानू डॉक्टरां ने जो सुझाव दिता जो गलबात हुई साडी उन्हां नाल उन्होंने कहा भी इन्हों का एक महीना डेढ़ महीना दो महीने तक यदा जरा माड़ा असर है जेडे वड्डी उम्र के बंदे उन्होंने उत्ते नजर आऊगा देखोगे तुसी उन्होंने नुकसान होएगा और ये जिन्हें भी साढ़े किसान आगू मतलब जा रहे हैं साडे वीर दियां शहादतां हो रही ने मोर्चे के पिछों ये सारे उस दिन 13 तरीक न भी 14 तरीक न भी उस तो बाद फिर 21 तरीक न भी इतने मोर्चे के बच्चे सके तो उन्होंने उत्ते एड्डी वड्डी जिहड़ी मतलब वह अथरू गैस के गोले छड्डे गए उन्होंने प्रभाव के नाल यह मौत हुई है इन्हों दियां कि जी इन्हों की जान गई है। मैं समझूंगा कि सरकार की जो बर्बरता है या सरकार की जो लोगों प्रति तानाशाही रवैया है ये उहदा सिट्टा है और उहदे नाल साडे किसान शहीद होए ने लेकिन यह जरूर असीं सरकार नूं दस देना चाहते हैं कि शहादतों तों डरन वाले किसान शहादतों तों डर के आपदे मोर्चे आपदियां लड़ाइयां तो पिछे नहीं हट सकते ये साड़ियां जिहड़ियां लड़ाइयां ने ये जिहड़ियां साड़ियां मंगां ने साडे जिहड़े मसले ने ये मंगां मसले जिन्नी देर तक जिउंदे रहणगे उन्नी देर तक किसान जमात नूं मैदान दे विच रहना पैणा भावें किन्नियां भी शहादतां होण साडा इतिहास गवाह है पिछे असीं इतिहास दे विच देखिआ है असीं लगभग 825 किसान दिल्ली दे मोर्चे दे विच शहादतां दे के आए हां ते उही लड़ी अज इत्थे चली होई है। सरकार नूं इन्हां गल्लां नूं वेख के शर्म नाल डुब के मर जाना चाहिए कि आपदे ही देश दे अंदर आपदे ही लोगों के उत्ते एडे माड़े हथियार एडा मारू मतलब उन्होंने उत्ते अथरू गैस के गोले एडिया मारू गैसा छड़िया गई जिदे नाल अज मनुखता का नुकसान हो रहा है ये अति मतलब निंदन योग है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की प्रधानगी हेठ हुई धर्म प्रचार कमेटी की कत्तरता दे विच खालसाई जाहो जलाल के प्रतीक होले महल्ले धार्मिक परंपरावां अनुसार मनाउण की गल करदिआं इस मौके किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी तो दूर रहने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय तो कुछ शरारती लोग गुरु घर की मर्यादा उल्ट हुल्लड़बाजी करके संगतां लई परेशानी पैदा करते हैं जिसनों बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अक्सर देखने विच आया कि पिछले दिनों दे विच पिछले साल एक ऐसी घटना उत्थे वापर गई जिन्हें सारयां नूं बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पिया। ये होला महला सतगुरु जी ने जिहड़ियां रूहां मानसिक तौर पर तकड़ियां होंदियां वह शरीरक तौर पर भी तकड़ियां होंदियां जिन्ना चिर शरीर नहीं तकड़ा उन्ना चिर मानसिक तौर पर व्यक्ति जिहड़ा आ उस पद्धर ते नहीं विचर सकता। सो सतगुरां ने रिष्ट पुष्ट तौर पर गतके दे जौर ये महल्ले दे रूप दे वे सानू बख्शिश कीते सी अज भी ये परंपरा सुरजीत आ वो महला जा के निहंग सिंघां दीआं सिरमौर जथेबंदियां वो जा के समाप्ति दे उत्ते वड्डे पद्धर दे उत्ते गतके दे जिहड़े ओह जौर भी दिखाउंदियां और गतका खेडदे भी आ। सो संगतां दी वड्डे पद्धर ते आमद हुंदी आ। मैं निम्रता सहित अज धर्म प्रचार कमेटी ने समुचे तौर पर फैसला किया कि उस होले महल्ले धार्मिक परंपरावां दे अनुकूल मनाया जाए। यह नहीं गा भी आप जाइए तो मेले के रूप में मनाइए बच्चों नूं भी सत्कार सहित उन्हां नूं उन्हां दी भावना नूं भी नमस्कार करते हैं उन्हां दी आस्था नूं भी नमस्कार करते हैं। उत्थे जाओ गुरु के सिख
गुरु के सिख कहण तो भाव सतनाम वाहिगुरु का जाप करो। जे ट्रैक्टर से पहला तो बड़े पद्धर से डैक ना लाओ, छोटे पद्धर से जे लाए भी आते सतनाम वाहिगुरु का जां गुर शब्द जां कीर्तन रूप दे विच उह जिहड़े आ उत्थे अपने डैकां ते चलाए जाण, ना कि कई बारी एक बंदा करदा ते भरनी सारिआं नूं पैंदी आ। ओ पिछले साल ऐसा वर्तारा वरत गया जिहड़ा अज तक सानूं सारिआं नूं शर्मसार करदा। सो निम्रता सहित सारे सिख पंथ नूं और चेचे तौर पर जिन्हें ट्रैक्टरां वाले ट्रालियां वाले उत्थे पहुँचते आ उन्हां नूं निम्रता सहित बेनती आ कि जावते दे विच रहना। जावता की आ कि जी कहना ते जी कहाउणा, प्यार सारिआं नाल करना, आदब सत्कार दे नाल रहना ते आदब सत्कार ही सिखालना। इहो गुरु खालसे नूं सतगुरु जी ने समत बख्शिश कीती सी। सो सारिआं नूं बेनती वी खोलड़बाजी वाले जिहड़े मसले ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਬਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਚੱਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 4:15 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਧਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨੇ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਸਿਲੰਡਰ? ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਡੇਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਚਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਜ਼ਰ ਫੜਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਿਆ? ਗੀਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੀਜ਼ਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਜ਼ਰ ਹੀ ਫੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਜੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 1500 ਰਿਆਲ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਰਿਆਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, 2 ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਗਏ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, 13 ਤਰੀਕ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ? ਏਜੰਟ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 2,40,000। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
पैसे लेके सानू सीधा घरे छड के साडी गल नहीं सी सुनदा डेली मैसेज करीदा सी फोन करीदा सी ते सानू उन्होंने कि नहीं वापस नहीं आन दिता। फिर असी बाबा जी दे कोल आए इतों फिर सानू कि बाबा जी होना की कृपा हुई तो असं इतों निकल पाए। और की तशद्दुद करदे हो? बस यही कि उन्होंने मेरी मैडम की भैन रही सी नाल उन्होंने बच्चे सी तंग बहुत ज्यादा करते सी यानी कि रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंदे सी। अक्सर आप खबर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उसे फंसे या बहुत सारे हाँ जी तुम इस बारे पता नहीं थी? नहीं जी इस बारे नहीं सी पता सी सर इस बारे बिल्कुल नहीं सी पता। लड़कियां बहुत ज्यादा उधर फंसिया हुई ने आना चाहदियां ने पर आ नहीं पाउंदियां कारण यह कि जंटा ने पैसे ले हुंदे ने आपां वापस नहीं आ सकते उस देश दे विच। मैं यही मंग करदी कि वो जंट ते कारवाई होवे ते मेरियां सैलरियां दो वापस मिल जाण मैनूं। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धमकी देण दे दोष विच पुलिस ने एक व्यक्ति नूं नागपुर तों गिरफ्तार कीता जिस उत्ते चरणजीत सिंह चन्नी दा बयान सामने आया। उन्हां दा कहना है कि जिस व्यक्ति नूं पुलिस ने गिरफ्तार कीता वह गैर पंजाबी है जबकि उन्हां नूं धमकी देण वाला ठेठ पंजाबी बोल रहा सी। उन्हें कहा कि पुलिस गलत बंदे नूं गिरफ्तार करके अपनी वाह वाही खट रही है। अज मैं एक इंटरव्यू देखी है SSP रोपड़ दी जिदे च एक बंदे नूं दिखाया जा रहा कि इसने चरणजीत सिंह चन्नी नूं धमकी दित्ती सी। मैं दसना चाहुंदा कि जिहड़ा ये बंदा फड़ के लिया है नागपुर तो फड़ के लिया महाराष्ट्र का बंदा गैर पंजाबी बंदा है लेकिन जिन्हें मैनूं धमकी दित्ती सी और मेरी उहदे नाल कई बार गल हुई है उहदे मैसेज भी आए है वह प्योर पंजाबी बंदा बोलता सी ठेठ पंजाबी बंदा बोलता सी ते जिहड़े उहने मैसेज मैनूं किते उह भी ठेठ पंजाबी दे विच सी। उन्हें मैं ये भी कहा कि मैं बाई दे नाल गल करा दिना बाई शब्द है जिहड़ा साडे पंजाबी ही वरतदे है महाराष्ट्र वाले नहीं वरत सकते। तुसीं देखदे होणे आ जिहड़े प्रवासी भी इत्थे आके पंजाबी सिख लैंदे आ उहनां दा लहजा चेंज नहीं हुंदा इस करके ये जिहड़ा बंदा फड़िया है ये टोटल ड्रामा है ये उह बंदा नहीं है जिन्हें मैनूं धमकियां दित्तियां। आउण वाली चोणां नूं देख के ये सारा कुछ ढकना चाहुंदे आ। अज चोणां दे विच जिहड़ा मेन मुद्दा है पंजाब दे विच जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह बिल्कुल खराब हो चुकी है नशियां दा जोर है इस लॉ एंड ऑर्डर दे विच दिखाउणा चाहुंदे असीं धमकी देण वाला बंदा फड़ लिया वह भाई ये वह बंदा नहीं है मैनूं जिन्हें धमकी दित्ती सी वह ठेठ पंजाबी बोलता सी ये पंजाबी बोल नहीं सकता होना बंदा ये बंदा पंजाबी नहीं है तुसीं एवें ड्रामेबाजी करके ये ढके वे ढोल नूं बंद ना करो ये सही नहीं है ये बंदा नहीं है वह जिन्हें मैनूं धमकी दित्ती सी ये बिल्कुल ड्रामेबाजी हो रही है। वो ठेठ पंजाबी बोलता सी ते ठेठ पंजाबी दे विच बिल्कुल सही पंजाबी लिख के उन्हें मैनू मैसेज किए है एक गैर पंजाबी बंदा किस तरीके नाल इन्नी वधिया पंजाबी बोल सकता सानू समझ नहीं आती मैनू पता नहीं लगेगा कि जी ये केड़ी मैं तो बंदे का कई बार शकल देख के दस दिना कि यह केड़ी स्टेट का रहने वाला या केड़ी बोली बोलने वाला या केड़ी बरादरी का बंदा ये मैनू क्या पता नहीं लग्या कि वह बंदा कौन हो सकता ये बंदा नहीं है वह ये बिल्कुल ही ड्रामेबाजी है इहदा बंदे दा आप ही वह दस रहे कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं जिहदा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है जिहड़ा इस काम का माहर नहीं है या इस तरह के काम नहीं करता वो एक मुख्यमंत्री नूं धमकी थोड़ो देगा। इसलिए ये ड्रामेबाजी पुलिस बंद करे असली बंदे नूं फड़े जे इन्हां दे विच जान है तां। ते उधर अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दे विच शामिल होए राजकुमार चब्बेवाल बारे कई वड्डे खुलासे कीते ने। अकाली दल का दोष है कि इसने 4,601 परिवारों नाल धोखेधड़ी की है ते इस दे खिलाफ 10 to 15 years की सज़ा बनती है। उन्होंने कहना है कि आप सरकार अपनी पार्टी नूं मजबूत करके इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब इस तो वड्डी फैब्रिकेशन ते फॉर्जरी की हो सकती है जिदे च इनू 10 years की सज़ा होनी चाहिए सी उहदी जगह इनू इनाम मिलिया कि यह हुण लोक सभा का आम आदमी पार्टी का कैंडीडेट होना आ BDPO की रिपोर्ट हूँ मैं पढ़ रहा BDPO मालपुर इनकुआरी रिपोर्ट आ लो जी ये तरीक है जी 12/9/22 की कह रहा जी एप्लीकेशन रिगार्डिंग टेकिंग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर राजकुमार MLA ऑफ चब्बेवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब
फॉर फेक एंड फॉर्जिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू 4601 फैमिलीज अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 4,95,00,000 है या 5 करोड़ के नेड़े अंडर पंजाब निर्माण प्रोग्राम फॉर रिपेयर ऑफ रूफ्स ऑफ हाउसेज ऑफ पुअर पीपल इन ब्लॉक होशियारपुर टू एंड मेलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ये सारी उन्हें चिट्ठी अगे लिख के आ बेनीफिशरिया के नौ पाए, मतलब ये डिटेल्ड इनकुआरी करके अगे मैं एक लाइन वो पढ़ूंगा, उक्त व्यक्तियों नू मिती 31/12/2021 नू बिना डिस्पेंड नंबर सैक्शन पत्र दिते गए सन, बिना डिस्पैच नंबर सैक्शन पत्र दिते गए सन जो कि इस दफ्तर वालों जारी नहीं होए सन। उक्त पत्र जिन्हों उपर डॉक्टर राज कुमार चब्बेवाल दे हस्ताक्षर हन अते निमन हस्ताक्षर दे जाली हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब वो आप कह रहे हैं कि यह सारे मेरे सिग्नेचर भी फॉल्ट और चब्बेवाल दे फॉल्ट, मतलब एक एमएलए हु नोज जॉली वैल उन्हें पता है इस गल का कि बीडीपीओ तो जेड़ा भी कागज जारी होंदा उच्च एमएलए दे साइन नहीं होंदे, फॉर्जरी कर रहा है और फौजरी कले अपने साइन की नहीं कर रहा, बीडीओ की भी कर रहा, कई अफसर की फौजरी करने वाला उन्हें केड़ा चंगा काम किया, ये तो हुण भगवंत मान ही दस सकता कि उन्हें आ वाशिंग पाउडर चो कढ़ के सीधे आम आदमी पार्टी च शामिल करता। फिर अगला हैड कॉन्सटेबल अमृतपाल सिंह का कतल करने वाले गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ राणा मंसूरपुरिया का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिता है। दस दिए कि पुलिस मुलजम की भाल एतवार तो ही कर रही थी, उसका पता पुलिस को उदों लगा जदों उसने अपना मोबाइल फोन ऑन किया, तो जिमें ही फोन ऑन होया तो पुलिस को लोकेशन मिल गई, लोकेशन मुताबिक राणा पुराणा पंगाला के करीब हाजीपुर को जंगल वाल जाता देखा गया, जिथे पुलिस मुताबिक उसका इनकाउंटर कर दिता गया। तो स्पेसिफिक लीड साढ़े को कल भी सगिया जदों सू पता लग्या कि इनू उपर अपने हाजीपुर के जंगलों के किसी बंद ने छड़ा उधर उधर साड़ा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कल चलता रहा। आज साढ़े को लीड सी कि किसी एक बंद ने मोटरसाइकिल बिठा के इनू अपने बंगाले तो आ गए इधर पिछले जोड़े पिंड है उत्थे एक चौरस्ते ते छड़ा है लगभग सवेरे 9:30 बजे। उस तो बाद साढ़े को और स्पेसिफिक लीड आई लगभग मेरे ख्याल 5 बजे का टाइम रहा होगा, तो उदों दस्या गया कि 2:30 बजे के आसपास आ बंदे ने देखा गया पिछे खेतों के वल उधर जिधर काफ़ी डेंस फॉरैसट हैगा छोटा, तो असी साड़ी टीम्स ने आ पूरा एरिया जिथे इनू छड़ा गया सीगा सवेरे उदा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस का एरिया वख वख थावां ते पेट्रोलिंग टीम्स बना के कोडन किया हुआ सीगा, तो असी जिदा जिदा मोमेंट का सानू ट्रेस हो रहा सीगा, हालांकि 3-4 घंटा डिले तो चल रहा सीगा साड़ा ट्रैकिंग, बट साड़ी टीम्स लगी हुई सी। आज जो शाम नू इत्थे मेरे ख्याल लगभग 6:30-6:30 बजे का टाइम रहा है जो साड़ी टीम एक टीम इस रोड पर पेट्रोलिंग करते हुए आ रही थी, तो आ बंदा इत्थे मेरे पिछे जी थां तुसीं देख रहे हो इधर जड़ा है इन्हां लोकेट होया, पुलिस टीम नू देखते हुए सीधा ही इसने मतलब इहदी डेयरिंग तुसीं देखो कि इन्हें पुलिस टीम नू फिर देखते हुए कल इन्हें एक क्राइम कमिट किया है तो फिर इन्हें पुलिस टीम वल वैपन करके फायर किया। इमीडिएटली साड़ी टीम्स क्योंकि रेडी सीगियां प्रॉपरली ऑलरेडी इहदी भाल चल रही सीगी उन्होंने रिटेलिएट किया, आ बंदे ने एस्केप करते हुए जिहड़ा हैगा पिछे जाके अपना बचाव करने की कोशिश की फिर फायर किया, तो अल्टीमेटली साड़ी टीम ने जिहड़ा हैगा रिटेलिएट करते हुए एक्सचेंज ऑफ फायर च जिहड़ा इहदे बुलेट इंजरीज हुई, तो जदों एग्जामिन किया गया तो आ फिर मौके पर डेड पाया गया। तो कोई भी बंदा जिहड़ा हैगा वह इस तरीके से हीनियस क्राइम नू कमिट करेगा तो कानून के जड़े हैगे सिकंजे तो बाहर बच के जा सकता पॉसिबल नहीं हैगा। साड़ी टीम्स ने बड़ा चंगा काम करते हुए साढ़े सारी टीम इनफैक्ट सारे असी लगे हुए हैगे तो सारे ने जड़ा 24 घंटे जड़े हैगे वो लगभग सानू क्राइम कमिट होने तो बाद इनू ट्रेस करन च लगे हैगे, तो चलो मतलब डैथ होना जड़ा हैगा वो एक डिफरेंट गल हैगी बट असी इनू ट्रेस किया तो एक्सचेंज ऑफ फायर से इन्हें सानू चैलेंज किया तो अल्टीमेटली। सो फिलहाल दे लई पंजाब न्यूज़ विच इन्ना ही, मैनूं दुआ गया, धन्नवाद।